श्रीमुख से जानना चाहूंगा, जिस तरह से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की बातें हैं, उनको किस तरह का आशीर्वाद है आपका? कौन धीरेन्द्र के साथ ही बागेश्वर? मेरा साहब तो कहीं नहीं है, मेरे पास आए थे, अच्छे हैं। वो हिंदुओं को भटकने से बचाते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। अपनी ओर से नहीं कहते, मुझ में कोई चमत्कृति है, हनुमान जी कृपा है, अच्छी बात है। और क्या पूछना? जिस तरह से राजनीति में धर्म को घसीटा जा रहा है, क्या ये उचित लगता है? पहली बात तो यह, राजनीति किसको कहते हैं? नीति और धर्म पर्यायवाचक शब्द है। दुरुपयोग करने वाले राजनेता अलग होते हैं। राजनीति के लिए मत्स्य पुराण का अध्ययन कीजिए, महाभारत का अध्ययन कीजिए। राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थ नीति, छात्र धर्म, पांच शब्दों का प्रयोग हुआ, पर्यायवाचक एकार्थक। राजनीति को ही राजधर्म कहते हैं, दंड नीति कहते हैं, अर्थनीति कहते हैं, छात्र धर्म क्षत्रियों का धर्म कहते हैं। कोई दुरुपयोग करे तो बात दूसरी है। पांचों पर्यायवाचक हैं, एकार्थक हैं। आगे कही, धर्म की सीमा का अतिक्रमण करके राजनीति की कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती। महाराज जी, जिस तरह से रामायण को लेके, हमारे शास्त्रों को लेके बातें कही जा रही हैं, क्या उचित लगता है? उनमें हिम्मत हो तो जरा कुरान और बाइबल पर कटाक्ष करें, फिर क्या होता है देख लेंगे। दूसरी बात है, जिस पंक्ति को लेकर वो लोग कटाक्ष करते हैं, समुद्र ने वह वाक्य कहा, वो मानेंगे कि समुद्र बोलता है। समुद्र की आवाज़ तो जड़ की आवाज़ है, समुद्र का आदिदैविक स्वरूप उसका वचन है। पहली बात तो यह, शूद्र गंवार ढोल पसनार, यही तो ढोलई को ले लीजिए। ढोलकिया जो है ढोल को सजाता है, पाउडर भी उस पर लगा देता है। उचित अंगन्यास करन्यास न करे तो अभीष्ट की सिद्धि नहीं होगी। चाणक्य नीति का अध्ययन कीजिए, लालयत पंचवर्षाणी दशवर्षाणी ताड़यत, बाल गोपाल पाँच साल तक हों, लाड़ प्यार दीजिए, उसके बाद 10 वर्ष तक, 15 साल की आयु तक केवल लाड़ प्यार देने पर बिगड़ सकते हैं। तो जिस वस्तु और व्यक्ति से जिस प्रयोजन की सिद्धि अभीष्ट है, उस वस्तु और व्यक्ति का उपयोग उस ढंग से करने के लिए जो अंगन्यास करन्यास आदि है, उसका नाम ताड़न है, मार के फेंक देना नहीं। ढोलकिया के ढोल को जरा डंडे से पीट करके फोड़िए, क्या होता है आगे? एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, आखिरी 2024 के लिए जिस तरह की सरकार कार्य कर रही है, उसको लेके किस तरह का आशीर्वाद रहेगा? सरकार कहाँ की सरकार? केंद्र की सरकार। कौन है प्रधानमंत्री? मोदी, नरेंद्र मोदी। पहली बात तो यह है कि घर भरने वाले नहीं हैं, इतना तो मानेंगे। घर भरने वाले नहीं हैं, देश को लूटने वाले नहीं हैं, पहली बात ये मानेंगे। दूसरी बात यह है कि कूटनीति के विशेषज्ञ, नमन मिलन दमन अंकन और अनगमन कूटनीति के 5 भेद होते हैं। किसने? मदनी ने। मदनी कौन है? मदनी का अध्यक्ष। यह प्रश्न कई बार किया गया, अब आप सुनो। लवकौमदी व्याकरण का ग्रंथ है, उसी को पढ़ें। अल्लाह शब्द संस्कृत का है, मातृ भगवती शक्ति के अर्थ में प्रयुक्त है। अल्लोपनिषद अष्टोत्तर शब्द के अतिरिक्त है, लेकिन अल्लाह शब्द जो है संस्कृत का है। आज भले ही लोग भूल गए हों, लवकौमदी का भी अध्ययन जिनको होगा वो मानेंगे कि अल्लाह शब्द संस्कृत का है। शक्ति, मातृशक्ति के लिए अल्लाह शब्द का प्रयोग हुआ है। और अगर वो जोड़ रहे हैं तो यूँ समझना चाहिए, मैं कहा करता हूँ कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? बृहदारण्यक उपनिषद में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है कि मन शत्रुपा के द्वारा ही प्राणियों की सृष्टि हुई। साथ ही साथ मन शत्रुपा की अभिव्यक्ति हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा से हुई। ब्रह्मा जी ने योग बल से अपने आप को मन शत्रुपा के रूप में व्यक्त किया, और ब्रह्मा जी या हिरण्यगर्भ की अभिव्यक्ति श्रीमन नारायण के नाभि कमल से हुई। श्रीमन नारायण सबके पूर्व और पूर्वज हैं। इस प्रकार से सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। हिंदुओं का जो उत्पत्ति स्थिति संभार निग्रह अनुग्रह परक विज्ञान है, वेदादि शास्त्रों के आधार पर, इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में भी कोई चुनौती नहीं दे सकता, खंडन नहीं कर सकता। बुश महोदय का नाम आपने सुना होगा,
जिनके पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, बुश महोदय स्वयं भी एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठित होने के पूर्व उन्होंने अंग्रेजी में कुछ वाक्यों को कहा। हिंदी में अर्थ होता है, मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में आस्था है, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने बाइबल की सृष्टि संबंधी मान्यताओं पर पानी फेर दिया है, इतने अंशों में मैं बाइबल को नहीं मानता। अभी मैं नेपाल से आ रहा हूँ, एक पागल ही मैं कहता हूँ, फिर प्रधानमंत्री बन गया प्रचंड, उसने काठमांडू के ग्रंथागार को जला दिया, उन ग्रंथों ने किया बिगाड़, नालंदा इत्यादि में भी अन्याय हुआ, फिर भी जितना वैदिक वाङ्मय हमको सुलभ है उनका सारार्थ भगवद गीता के माध्यम से प्राप्त है। 700 श्लोकों की बात भी छोड़ दीजिए, ऋग्वेद के दशम मंडल के नासधि सूक्तम में केवल 7 मंत्र हैं, उन 7 मंत्रों के माध्यम से सृष्टि के स्वरूप का, परमात्मा के स्वरूप का जो अंकन किया गया है, कोई भी इस रॉकेट कंप्यूटर मोबाइल एटम के में भी खंडन नहीं कर सकता। लाखों वर्षों तक विज्ञान और वैज्ञानिकों को दिशा देने की क्षमता, मार्गदर्शन देने की क्षमता वैदिक वाङ्मय में, इसलिए कोई अगर कटाक्ष करता है तो उसकी नादानी है, अज्ञता है। हिंदू दुर्बल नहीं है, किसी की ही सहिष्णुता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अन्याय सहिष्णु भी नहीं होना चाहिए, सहिष्णुता के नाम पर अन्याय सहिष्णुता भी कलंक। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।